दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप ने अभी अभी बीएचएमएस पास किया है और आप क्लिनिक खोलना चाहते हैं या फिर आप ऑलरेडी क्लिनिक चला रहे हैं लेकिन कोई नया क्लिनिक खोलना चाहते हैं होम्योपैथी प्रैक्टिस के लिए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको एक होम्योपैथी क्लिनिक कब, कैसे और कहां खोलनी चाहिए। जब हम बीएचएमएस पास करने के बाद होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल होता है कि हम क्लिनिक कब स्टार्ट करें, उसकी स्टार्टिंग कैसे करें और उसकी सही प्लेस क्या होनी चाहिए, कहां वो हम क्लिनिक को खोलें जो कि हम होम्योपैथी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो दोस्तों आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहला सवाल उठता है कि कब क्लिनिक स्टार्ट करें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछली मेरी वीडियो में भी बताया हुआ है कि जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पास कर लें तो आपको थर्ड ईयर से क्लिनिकल क्लासेस लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। कॉलेज में क्लिनिकल क्लासेस हो ना हो, कॉलेज में कोई आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस के बारे में सिखा पाए न सिखा पाए, आप कोई भी प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी सीनियर फिजिशियन जो भी उस आपकी सिटी में मौजूद है उसके साथ में आप बैठ सकते हैं और थर्ड ईयर के अंदर आप सिर्फ ऑब्जर्व करिए कि मेरा सीनियर या जो मेरे गुरु हैं वो मरीज को कैसे देख रहे हैं, उनको कैसे टैकल कर रहे हैं और होम्योपैथी कैसे मरीजों में काम करती है। थर्ड ईयर में सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। फाइनल ईयर के अंदर जब आप पहुंचेंगे तो ऑलरेडी आप गायनियोप्स सर्जरी दो क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे। फाइनल ईयर में आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे होंगे, रिपर्टरी पढ़ रहे होंगे, मटेरिया मेडिका तो ऑलरेडी सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होती ही है, तो ऑर्गनन भी साथ में आप पढ़ रहे होते हैं। तो आपको अब फाइनल ईयर में क्या करना है, आपको फाइनल ईयर में फिर केस टेकिंग पर ज्यादा ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि मेरे जो सीनियर हैं वो कैसे मरीज का केस टेक करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको केस टेकिंग करना आ गया तो आप ये समझिए कि आपने होम्योपैथिक प्रैक्टिस का 80% पार्ट सीख लिया। आप उनसे रिपर्टरी के द्वारा रिपर्टराइजेशन करना सीखिए कि कैसे हम डॉक्टर रिपर्टराइज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप ये कोशिश करिए कि जब भी आपके सीनियर फिजिशियन कहीं बाहर जाते हैं तो आप मरीजों को जरूर देखें। अमूमन हम क्या करते हैं कि हम जहां भी बैठते हैं अगर किसी भी कारण से डॉक्टर लीव पर हैं या हमारे सीनियर डॉक्टर क्लिनिक पर नहीं बैठ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम भी छुट्टी कर लेते हैं। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको कोशिश करना चाहिए कि उनकी एब्सेंस में हम क्लिनिक पर बैठे और जो भी मरीज वहां पर आता है और अगर जरूरत पड़ती है, अगर वो परमिशन देता है आपको दिखाने के लिए, तो आप उस मरीज को जरूर देखिए। और ये जो छोटे छोटे केसेस आप देखेंगे उनसे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और ऐसे आप शुरुआत करेंगे। उसके बाद जब आप फाइनल ईयर में बिल्कुल एंड पर पहुंच जाएंगे तो ऑलरेडी आपको 2 साल मरीजों को देखते हुए निकल जाएगा। उसके बाद कोशिश करिए कि आप या तो अपने घर में ही कोई धर्मार्थ होम्योपैथिक क्लिनिक, या कोशिश करिए कि किसी भी एक बड़ी संस्था, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि मरीजों को फ्री दवाइयां बांटता हो, उनके यहां हम अपना कुछ टाइम दें और होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए मरीज को जरूर देखें। चाहे इसमें मैटर सैलरी का नहीं है, आपको जो भी पैसा मिले नहीं मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सबसे पहले पेशेंट को देखना सीखना है विदाउट एनी प्रेशर, जो कि आप किसी या तो धर्मार्थ क्लिनिक पर ऐसा कर सकते हैं या फिर आप किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़कर ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों मैंने भी 3 या 4 साल चैरिटेबल ट्रस्ट में काम किया है, उसके बाद मैंने अपनी क्लिनिक ओपन की। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि कई जो बड़ी
फार्मेसी होती है सिटी के अंदर, वो कंसल्टिंग फिजिशियन को ऑन सैलरी रखती है। आप ऐसी जगह पर भी नौकरी कर सकते हैं, चाहे आपको सैलरी में कितना भी अमाउंट मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अभी पैसे पर ध्यान नहीं देना है, आपको अभी मरीजों को देखना सीखना है। कम से कम आप फाइनल ईयर के एंड होने से वो स्टार्ट करिए, और कम से कम आपको जब तक इंटर्नशिप नहीं हो जाती तब तक आप धर्मार्थ क्लिनिक, चैरिटेबल ट्रस्ट या कंसल्टिंग फिजिशियन की तरह किसी भी फार्मेसी पर काम कर सकते हैं। फिर आपकी मर्जी है, आप कोशिश करें कि आप कम से कम साल भर तो बैठे, फिर आप चाहें तो 2-3 साल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आपको ये मन में आ जाए कि अब मैं मरीजों को देखने लग गया हूं, अब मैं मरीजों को जो दवाई देता हूं उससे रिस्पॉन्स मिलने लग गया है, तब कहीं जाकर आप क्लिनिक खोलें। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, लोगों को देखकर, अपने सीनियर फिजिशियंस को देखकर, जैसे ही इंटर्नशिप होती है वैसे ही वो तुरंत क्लिनिक खोल लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जैसा मैंने कहा, जब आपको मरीज देख देख कर ये लगने लग जाए कि अब मैं मरीज देखने लग गया हूं, मरीजों को मेरी दवाई लगने लग गई है, तब कहीं जाकर आप क्लिनिक ओपन करिए। अब सवाल उठता है कि क्लिनिक कहां खुले। तो दोस्तों, ज्यादातर आपने सुना होगा, हम ऐसी प्लेस सर्च करते हैं जहां हम ये कहते हैं कि यहां होम्योपैथी के पेशेंट बहुत अच्छे हैं, यहां काफी होम्योपैथी चलती है, यहां होम्योपैथी के पेशेंट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मरीज हर जगह होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। जहां भी इंसान रह रहा है वो जरूर बीमार होगा, वो रोगी होगा। और आज के टाइम पर जब सभी, ज्यादातर लोग एजुकेटेड हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि एलोपैथी क्या है, होम्योपैथी क्या है, और वो आपके पास जरूर दवाई लेने आएंगे, चाहे आप क्लिनिक कहीं भी खोलिए। तो इस सवाल पर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप क्लिनिक कहां खोले। अगर आपके अंदर काबिलियत है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कहीं भी क्लिनिक चला सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जहां क्लिनिक खोलना चाहते हैं वहां पर पहले से कोई होम्योपैथिक फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा होता है, और हमको ये लगता है कि यार हम यहां पर नहीं खोल पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, आप अपनी क्लिनिक खोलिए, अपने बारे में सोचिए, अपने मरीजों के बारे में सोचिए। कोई बगल में क्लिनिक है नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? मान लीजिए आप पहले से क्लिनिक चला रहे हैं और कोई आपके बाद अगर बगल में आके क्लिनिक खोल लेगा तो क्या आप उसको रोक सकेंगे? नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आसपास आपके कितने होम्योपैथ बैठ रहे हैं, वो तो आपके बैठने के बाद भी आ सकते हैं और आएंगे ही। जितने लोग BHMS पास करके निकलेंगे वो कहीं ना कहीं तो क्लिनिक खोलेंगे। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप तो अपने मरीज को मन से, अच्छी तरीके से, अपनी काबिलियत के हिसाब से देखिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लिनिक कहां खोल रहे हैं। हाँ, आप ऐसी जगह चूज करिए जो आपके घर से पास हो, जिसको आपको आने जाने में परेशानी ना हो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले। इसके अलावा बहुत ज्यादा दूर आपको क्लिनिक नहीं खोलना चाहिए, अदरवाइज आपको मरीज को फैसिलिटीज देने में परेशानी होती है। इजीली अप्रोचेबल हो मरीज के लिए, ऐसी जगह हो जहां मरीज भी इजीली आ सके, ठीक है। वैसे भी मैं आपको बता दूं तो अगर आप किसी रनिंग क्लिनिक पर बैठते हैं, आप किसी भी अपने सीनियर फिजिशियन के पास बैठते हैं, तो आप ये देखते हैं कि उसके यहां जो पेशेंट आता है वो उसी जगह से नहीं आता जिस जगह पर उसने क्लिनिक खोली है। पेशेंट तो बाहर से भी आता है, आउट ऑफ सिटी से भी आता है, आउट ऑफ स्टेट से भी आता है, आउट ऑफ कंट्री से भी आता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्लिनिक कहां खोला है। अब कोई आपका अमेरिका का पेशेंट है, कोई इंग्लैंड का पेशेंट है, कोई आपकी अदर स्टेट का पेशेंट है, कोई अदर सिटी से पेशेंट है, तो वो क्या लोकेलिटी देख के थोड़ी आया है? उसको किसी ना किसी ने सजेस्ट किया है आपके लिए। तो दोस्तों, आप कहीं भी क्लिनिक खोलिए, बस आपके लिए वो जगह सहूलियत की होना चाहिए, पास की होना चाहिए, और आपके लिमिट में होना चाहिए कि आप कहां क्लिनिक खरीद सकते हैं या किराए से ले सकते हैं, उस जगह को खरीद सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर कि आप कितना महंगा क्लिनिक खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि क्लिनिक कैसे खोलें। तो दोस्तों, अगर
आपके पास व्यवस्था है, अगर आपके पास पैसा है तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी क्लिनिक खोल रहे हैं उस क्लिनिक को, आप उस क्लिनिक की प्लेस को, उस शॉप को खरीदें, न कि किराए से लें। हालांकि मेरा ये कहना नहीं है कि आप किराए से क्लिनिक ना खोलें, पर कोशिश करिए कि आप उसको खरीदें। उससे क्या होगा, आपको जो शुरुआती दिन होंगे उनमें किराए का आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि आपको किराया देना पड़ेगा, और आप आराम से पेशेंट देखिए, ये सोच के बैठिए आप वहां पर कि मैंने तो एक ऑफिस खोला है, मैं यहां पर बैठ के पढ़ूंगा, मरीज आएगा चाहे वो एक आए चाहे वो दो आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं आराम से अपनी क्लिनिक रन करूंगा। हो सके तो कोई छोटा मोटा एक डिस्पेंसर जरूर रख ले, कम से कम पैसे में, क्योंकि उस समय ज्यादा मरीज आपके पास नहीं होंगे, तो अगर थोड़ा बहुत होशियार नहीं भी हो तो भी चलेगा। वो सिर्फ इसलिए कि वो टाइम से आपकी क्लिनिक खोल सके। अगर किसी वजह से आप लेट हो जाते हैं, अगर किसी वजह से आप कहीं चले जाते हैं, तो आपकी क्लिनिक कभी बंद नहीं रहना चाहिए, वो टाइम पर जरूर खुलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप कोशिश ये करिए कि जहां भी आपने क्लिनिक खरीदा है वहां पर कम से कम दो सेक्शन बनवाएं, एक सेक्शन मरीज के केस टेकिंग के लिए हो और एक सेक्शन डिस्पेंसिंग के लिए हो, या मरीज के वेट करने के लिए वेटिंग चैम्बर हो। ऐसा इसलिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथी में एक लंबी केस टेकिंग होती है और उसमें कई सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। आपके पास मेल फीमेल हर तरीके का पेशेंट आता है। कई बार जब एक ही ओपन एरिया में हम मरीज को देख रहे होते हैं तो और जो दूसरे मरीज होते हैं वो उस केस टेकिंग को सुन रहे होते हैं, तो कई बार मरीज अपनी बेसिक समस्या को आपके साथ में रिवील नहीं कर पाता, अपनी परेशानी को बता नहीं पाता, और हर आपके क्वेश्चन का जवाब वो खुल के नहीं दे पाता। इसलिए आप कोशिश करिए कि आपकी प्लेस चाहे कितनी भी छोटी हो, आप उसको ऐसा डिजाइन करवाएं कि एक आपके आपका चैम्बर अलग हो और डिस्पेंसिंग चैम्बर अलग हो। आप अपनी फीस जरूर डिस्प्ले करें कि आप मरीज से केस को देखने का क्या पैसा लेते हैं, आप मेडिसिन डिस्पेंसिंग का क्या पैसा लेते हैं, ये आपका जरूर फिक्स होना चाहिए। कई होम्योपैथिक फिजिशियन मरीज के अकॉर्डिंगली पैसा लेते हैं, किसी से 200 रुपए ले रहे हैं, किसी से 500 ले रहे हैं, किसी से 1000 ले रहे हैं, किसी से 2000 ले रहे हैं। ऐसा ना करें दोस्तों, ये माल प्रैक्टिस होती है, इसमें कई बार आप परेशानी में भी आ जाओगे, लोग आपसे बार्गेनिंग करेंगे, जिससे और मरीजों पर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिए आप बिल्कुल अपनी फीस को फिक्स रखिए, और ना उसमें कम करना है ना आपको बड़ा कर लेना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट वास्तविक गरीब है, परेशान है, और मुझे इसको विदाउट कंसल्टिंग फी देखना है, या आपका कोई पहचान का आता है, तो आप फीस माफ कर सकते हैं, लेकिन आपको फीस लिखना जरूर है, डिस्प्ले जरूर करना है। आपको क्लिनिक पर बिल्कुल ये नहीं लिखना है कि यहाँ इस दिन फ्री में इलाज किया जाता है, आपको गरीबों और असहायों का इलाज फ्री में किया जाता है, ये बिल्कुल माल प्रैक्टिस है। इससे लोग आपकी हंसी भी उड़ाएंगे, दूसरा आपका फायदा भी उठाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। मेरी आपको एडवाइस है कि आप कभी क्लिनिक पर कभी ये डिस्प्ले मत करिए कि मैंने कौन कौन से केसेस ठीक करे, या मेरा अखबार में नाम आया नहीं आया, या आप कभी क्लिनिक पर ये डिस्प्ले नहीं करिए, ना मरीज को मरीज का नाम कभी डिस्प्ले करिए, ना कोई केस डिस्प्ले करना चाहिए, ना आपको ये लिखना चाहिए मरीज में, ना तो साइन बोर्ड पर, ना आपको क्लिनिक पर अंदर, कि यहां इन इन बीमारियों का इलाज होता है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत चीज है। हम ज्यादातर होम्योपैथिक क्लिनिक पर ये देखेंगे कि हम जिन जिन बीमारियों को लिखते हैं उनमें रिजल्ट्स बहुत कम मिलते हैं, वो सारे स्ट्रक्चरल और पैथोलॉजिकल चेंजेस वाली सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनमें रिजल्ट बहुत कम हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे में हमको वो उन बीमारियों को लिखकर अपने आप को और प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। लोग बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम वहां पर लिख देते, जबकि पेशेंट आपके पास किसी भी बीमारी का आ सकता है, तो बीमारियों का नाम लिखना ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। हाँ, जो स्पेशलिस्ट होता है, जो सर्जन होता है, जब वो ये लिखता है कि यहां पर इन इन तरह का ऑपरेशन होता है या इस तरीके से ऑपरेशन कराया जाता है, तो वो अपनी फैसिलिटीज बता रहा है, वो लिख सकता है, आपको ये बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए।
इसके अलावा साइन बोर्ड पर आप क्लियर कट लिखिए कि आपकी ये जो क्लिनिक है वो एक होम्योपैथिक क्लिनिक है और आप जो फिजिशियन है वो एक होम्योपैथिक फिजिशियन है। अपनी क्लियर कट डिग्री डालिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। जहां तक डिस्पेंसिंग रूम का सवाल है, आपके पास शुरुआत में, चूंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत ज्यादा है, तो आप बोरिक की किताब उठाइए और वन बाई वन एक एक रेमेडी देखते जाइए कि आपने कौन कौन सी रेमेडीज अपने उन 3-4 सालों में दी है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और चैरिटेबल ट्रस्ट में कौन कौन सी दवाइयां चलाई हैं, जो आपने रूटीन में पेशेंट को दी है, उन दवाइयों को आप शुरुआत में परचेज कर सकते हैं। शुरुआत में आप 30 और 200 सिर्फ इन दो पोटेंसीज को अपने क्लिनिक पर रखिए और जब भी मरीज को 1M, 10M इनकी जरूरत हो तो आप या तो ऑन कॉल या फिर आप जैसे सुबह आपके पास पेशेंट आया तो शाम को आप बाजार से मंगवा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, धीरे 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 आपके पास 1M, 10M इनकी रेंज भी आपके पास मौजूद होने लग जाएगी। ठीक है, आप जो भी स्टेशनरी का सामान या जो भी डिस्पेंसिंग करने के लिए हमको जरूरी चीजें होती हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, सेक्लेक पाउडर होता है, वो सारी आपको परचेज करके रखना चाहिए। और कोशिश करिए कि चाहे भले ही आपका डिस्पेंसिंग रूम छोटा हो लेकिन वो सुंदर हो और उसमें सारी व्यवस्थाएं हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने मरीज को शाम को भी बुला लिया सुबह देखकर कि भाई आपकी दवाई जो मुझे मंगवानी है लेके आनी है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा सिर्फ आपको शुरुआत में करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपके पास मेडिसिन आने लग जाएगी। वैसे भी आपको जो मेडिसिन आती हैं या जो रूटीन में चला रहे हैं वो 3200 में तो आपने लेके रखी है, धीरे धीरे आपका स्टोर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपको क्लिनिक कब, कैसे और कहां खोलना चाहिए। आशा करता हूं आपको मेरा ये प्रैक्टिकल अप्रोच का ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा। थैंक यू, गुड बाय।